नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वें ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। ज्योतिर्लिंगों की गणना में श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। यह जसीडीह रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है तथा सड़क मार्ग से भी यहाँ पहुँचने की अच्छी व्यवस्था है। जिस समय भगवान शंकर सती के शव को अपने कंधे पर रखकर इधर उधर उन्मत्त की तरह घूम रहे थे उसी समय इस स्थान पर सती का हृदय भाग गलकर गिर पड़ा था। भगवान शंकर ने सती के उस हथपिंड का दाह संस्कार उसी स्थान पर किया था जिसके कारण इसका नाम चिताभूमि पड़ गया। वैद्यनाथ लिंग की स्थापना के संबंध में लिखा है, एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर स्थिर होकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उस राक्षस ने अपना एक एक सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। इस प्रक्रिया में उसने अपना 9 सिर चढ़ा दिया तथा 10वें सिर को काटने के लिए जब वह तैयार हुआ तब भगवान शंकर प्रसन्न हो उठे। भगवान प्रकट होकर भगवान शिव ने रावण के 10ों सिरों को पहले की ही भांति कर दिया। उन्होंने रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव से कहा कि मुझे इस शिवलिंग को ले जाकर लंका में स्थापित करने का अनुमति प्रदान करें। शंकर जी ने रावण को इस प्रतिबंध के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यदि तुम इस लिंग को ले जाते समय रास्ते में धरती पर रखोगे तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। जब रावण शिवलिंग को लेकर चला तो मार्ग में चिताभूमि में ही उसे पेशाब करने की प्रवृत्ति हुई। उसने उस लिंग को एक अहिर को पकड़ा दिया और लघु शंका से निवृत्त होने चला गया। उधर शिवलिंग भारी होने के कारण उस अहिर ने उसे भूमि पर रख दिया। वह लिंग वहीं पर स्थापित हो गया। वापस आकर रावण ने काफ़ी जोर लगाकर उस शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, किंतु वह असफल रहा। अंत में वह निराश हो गया, उस शिवलिंग को अंगूठे से दबा दिया और लंका के लिए खाली हाथ ही चल दिया। इधर ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवताओं ने वहीं पहुंचकर उस शिवलिंग की विधिवत पूजा की। उन्होंने शिव जी का दर्शन किया और लिंग की प्रतिष्ठा करके स्तुति की। उसके बाद वे स्वर्गलोक को चले गए। यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनुष्य को उसके इच्छा के अनुकूल फल देने वाला है। इस वैद्यनाथ धाम में मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक विशाल सरोवर है जिस पर पक्के घाट बने हुए हैं। भक्तगण इस सरोवर में स्नान करते हैं। यहाँ पंडों के हजारों घर हैं जिनकी आजीविका मंदिर से ही चलती है। परंपरा के अनुसार पंडा लोग एक गहरे कुआं से जल भरकर ज्योतिर्लिंग को स्नान कराते हैं। अभिषेक के लिए सैकड़ों घड़े जल निकाले जाते हैं। उनकी पूजा काफ़ी लंबी होती है, उसके बाद ही आम जनता को दर्शन पूजन करने का अवसर प्राप्त होता है। यह ज्योतिर्लिंग रावण के द्वारा दबाए जाने के कारण भूमि में दबा हुआ है तथा उसके ऊपरी सिरे में कुछ गड्ढा सा बन गया है। फिर भी इस शिवलिंग मूर्ति की ऊंचाई लगभग 11 अंगुल है। सावन के महीने में यहाँ मेला भरता है और भक्तगण दूर दूर से कांवर में जल भरकर बाबा वैद्यनाथ को चढ़ाने के लिए देवघर यानी वैद्यनाथ धाम आते हैं। वैद्यनाथ धाम में अनेक रोगों से छुटकारा पाने हेतु भी बाबा का दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की लगातार आरती दर्शन करने से लोगों को रोगों से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।